विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में ज्येष्ठ मंगलवार को मां ज्वाला की पवित्र ज्योतियों के दर्शनों के लिए मां के दरबार में वाद्य यंत्रों के साथ मैया के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ मां के दरबार पहुंचे। जम्मू कश्मीर से 32 वर्षों से लगातार मां ज्वाला के दरबार में डॉक्टर पूनम अपनी संगत के साथ मां ज्वाला की पवित्र ज्योतियों के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और श्रद्धालु मैया के जयकारे लगाते हैं। मां ज्वाला इनकी मनोकामना हमेशा पूरी करती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मां ज्वाला की अखंड ज्योति साक्षात रूप में मां के रूप में विराजमान है। मंदिर प्रशासन की ओर से मंदिर अधिकारी दीनानाथ यादव के नेतृत्व में मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेहतर इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां ज्वाला देवी शक्तिपीठ में आज ज्येष्ठ मंगलवार के दिन मां ज्वाला के दरबार में बाहरी राज्यों से श्रद्धालु भारी संख्या में मां ज्वाला की पवित्र ज्योतियों के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। ज्येष्ठ मंगलवार को मां को प्रसन्न करने के लिए वाद्य यंत्रों के साथ यहाँ पर मां ज्वाला के दरबार में जम्मू और कश्मीर से श्रद्धालुओं का जत्था मां ज्वाला की दर्शनों के लिए पहुंचा और मां ज्वाला का उन्होंने आशीर्वाद लिया। मां ज्वाला की कृपा सदा सभी पर बनी रहे और यहां पर मां ज्वाला के दरबार में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो शीश नवा रहे हैं, मां ज्वाला उनकी मनोकामना पूरी करे ऐसी भावना वो कर रहे हैं। श्रद्धालु सभी श्रद्धालुओं जो है मां ज्वाला की पवित्र ज्योतियों के दर्शन करने यहाँ आते हैं और ये जो श्रद्धालुओं का जत्था था जम्मू एंड कश्मीर से वो 32 वर्षों से मां ज्वाला जी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे महामाई के यहाँ दर्शन के लिए आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये महामाई इसी प्रकार जो है सबको दर्शन देती रहे और सबकी मनोकामना पूर्ण करती रहे। मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ, मेरा नाम डॉक्टर पूनम शर्मा भी है, वैसे मैं लोग मुझे गुरु माँ भी कहते हैं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और मुझे पिछले 32 साल हो गए यहाँ पे जो है हर साल मेरे जम्मू कश्मीर से जो है यहाँ पे संगत आती है, माँ के दर्शन करती है और बड़ा यहाँ पे आके सुकून मिलता है। महामाई की हमेशा इतनी कृपा बनी रही है कि इतनी संगत जुड़ी है दूर दूर से, मतलब इतनी मान्यता रखती है यहाँ पे कि वो दूर दूर से आते हैं और हर साल आते हैं। और मैं चाहूँगी कि महामाई के आगे इस साल यही अरदास लगाऊंगी कि जो पूरा विश्व महामारी कोरोना के से जूझ रहा है, मैं महामारी के चरणों में अरदास लगाती हूँ कि सभी को जो है उससे निजात मिले, सारे संसार में जो है एक अमन और शांति बनी रहे। और इसी के साथ यहाँ के पुजारियों का मैं हमेशा धन्यवाद करती हूँ, यहाँ इतना प्रेम मिला 32 सालों में कभी लगा ही नहीं कि मैं बाहर आई, सबसे प्रेम और सब इतने सहयोगी। और हिमाचल प्रदेश बहुत ही अच्छी देवभूमि और उतने ही अच्छे यहाँ के लोग और उतने ही अच्छे यहाँ के पुजारी लोग हैं जिन्होंने हमेशा इतना प्रेम दिया, अपनापन दिया और हमारा सहयोग। मैं धन्यवाद चाहूँगी सबका और महामाई के चरणों में अपना बारम्बार धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए ज्वालामुखी से ब्यूरो।